नमस्कार, आपको मैं बता दूं, इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में टू व्हीलर्स का सबसे ज्यादा बिकने वाला सेगमेंट है 110 सीसी सेगमेंट। हाल के टाइम पर इस सेगमेंट की गाड़ियां लोग बाग काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में लोगों की जरूरतों के ऑल टोटल हर फीचर्स मिल जाते हैं इन गाड़ियों में। तो इसीलिए आज की ये वीडियो हमने बनाई है 110 सीसी सेगमेंट की बेस्ट 5 गाड़ियों के ऊपर, जिन्हें आप आग बन करके भी ले सकते हैं। ये सभी गाड़ियाँ ऑन रोड बहुत कम कीमत पर मिलने वाली है, साथ ही मेंटेनेंस के मामले में भी सबसे किफायती गाड़ियाँ हैं ये सभी। इस वीडियो में हम इन सभी 5 गाड़ियों की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, जैसे इन गाड़ियों के ऑन रोड प्राइस, इंजन स्पेसिफिकेशन और माइलेज। तो इन सभी 5 गाड़ियों से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप है SKM कार ड्राइव चैनल पर। टू व्हीलर और फोर व्हीलर से जुड़ी सभी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो की सबसे कम माइलेज देने वाली गाड़ी, जिसे हमने लास्ट या फिर कहे 5th पोजीशन पर रखा है, वो है हीरो पैशन प्रो 110। हीरो मोटर कॉर्प की इस गाड़ी में 110 सीसी का BS6 कंप्लेंट इंजन दिया गया है, जो 9.1 BH पावरफुल है और 9.89 न्यूटन मीटर टॉर्की। 1 लीटर पेट्रोल में ये गाड़ी लगभग 60 किलोमीटर तक माइलेज निकालकर दे देती है। अगर इस गाड़ी के प्राइसेस की बात करें, तो इस गाड़ी का ड्रम ब्रेक वेरिएंट ₹78,000 और डिस्क ब्रेक वेरिएंट ₹80,000 दिल्ली के अंदर ऑन रोड प्राइस पर मिल जाता है। स्टाइलिश लुक्स वाली गाड़ी अगर आप ढूंढ रहे हैं और अगर आप 55 से 60 किलोमीटर तक का माइलेज मैनेज कर सकते हैं, तो ये गाड़ी एकदम परफेक्ट है आपके लिए। हमने वैसे हर सेगमेंट में बेस्ट माइलेज देने वाली गाड़ियों के लिए डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक कर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अगली 4th पोजीशन की गाड़ी को देख लेते हैं, जो है हीरो मोटर कॉर्प की ही हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट। ये गाड़ी हीरो की आइडल i3S टेक्नोलॉजी से लेस है, जो जानी जाती है बेहतर माइलेज निकालने के लिए। वैसे इस गाड़ी में 113 सीसी का i3S BS6 कंप्लेंट इंजन दिया गया है, जो जनरेट करता है 9.1 BH की पावर 9.89 न्यूटन मीटर का टॉर्क। हीरो मोटर कॉर्प की इस गाड़ी में 61 किलोमीटर तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। इस गाड़ी के प्राइसेस की अगर बात करें, तो इस गाड़ी का ड्रम ब्रेक वेरिएंट ₹79,000 और डिस्क ब्रेक वेरिएंट ₹82,000 दिल्ली के अंदर ऑन रोड प्राइस पर मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कोई रफ एंड टफ गाड़ी खरीदना, तो 3rd पोजीशन की गाड़ी आपके लिए ही है इस लिस्ट में, जो है TVS रेडॉन। खराब सड़कों पर अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, तो TVS की ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है आपके लिए। इस गाड़ी में 109 सीसी का BS6 कंप्लेंट इंजन दिया गया है, जो 8 BH पावर और 8.7 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। ग्राहकों के अनुसार ये गाड़ी लगभग 62 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज निकालकर दे देती है। दिल्ली के अंदर इस गाड़ी का ड्रम ब्रेक वेरिएंट ₹69,000 और कंप्यूटर डिस्क ब्रेक वेरिएंट ₹78,000 ऑन रोड प्राइस पर मिल जाता है। नंबर बजाज प्लेटिना एच गियर। वैसे सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियों की बात हो रही हो और बजाज की गाड़ी ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। बजाज एच गियर में 115 सीसी 4 स्ट्रोक BS6 कंप्लेंट इंजन दिया गया है, जो 8.6 BH पावर के साथ साथ 9.81 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। प्लेटिना एच गियर में 74 KMPL लगभग 74 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से इस गाड़ी का डिस्क ब्रेक वेरिएंट ₹72,000 तक का मिल जाता है। अगर आप बजाज, TVS या हीरो के अलावा कोई और गाड़ी सोच रहे हैं, तो होंडा की होंडा लियो को हमने रखा है टॉप पोजीशन पर इस लिस्ट में आपके लिए। स्टाइलिश लुक्स, अच्छे खासे फीचर्स और बेहतरीन लुक्स के साथ मिलने वाली ये गाड़ी बहुत कम मेंटेनेंस के साथ बेहतर माइलेज भी निकाल कर दे देती है। होंडा लियो में 109 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक BS6 कंप्लेंट इंजन मिलता है, जो 8.79 BH की पावर और 9.30 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 1 लीटर पेट्रोल में ये गाड़ी लगभग 74 किलोमीटर तक चल सकती है। होंडा लियो का दिल्ली के अंदर ड्रम ब्रेक वेरिएंट ₹81,000 और डिस्क ब्रेक वेरिएंट ₹86,000 ऑन रोड प्राइस पर मिल जाता है। अगर आपको लगता है इस वीडियो में ये गाड़ी नहीं होनी चाहिए थी, या अगर आपको लगता है किसी और गाड़ी को इस लिस्ट में जरूर होना चाहिए था, तो नीचे कमेंट कर आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। या अगर आपके कोई सवाल है किसी भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। इस वीडियो में तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में। अपना ध्यान रखें, आप टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहने, और अगर आप फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।